दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन कुछ ही दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा और इस बार के ऑक्शन में सबसे ज्यादा डिमांड विकेट कीपर्स की रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन और जॉनी बेयरस्टो समेत 10 बड़े विकेट कीपर्स की नई टीम के बारे में बताएंगे, यानी कि ये सभी विकेट कीपर कौन कौन सी टीम में इंक्लूड होने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हमने माई 11 सर्कल ऐप पर 30,000 रूपए का गिव अवे रखा है, जहां पर आज होने वाले पाकिस्तान T20 मैच में आप 0 रूपए की एंट्री फीस के साथ फ्री में 30,000 रूपए जीत सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर बिल्कुल फ्री में 1500 रूपए मिलेगा और साथ ही में 10% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। और आज होने वाले मैच में हमारी टीम कुछ इस प्रकार से होगी, और यदि आपकी टीम लक्ष्मण सर की टीम को हराती है तो आपको मिलेगा आपके विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी डाउनलोड करें माई 11 सर्कल ऐप को और पाए 1500 रूपए का बोनस। गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 1 by 1 10 विस्फोटक विकेट कीपर्स बल्लेबाजों की नई टीमों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस लिस्ट के पहले विकेट कीपर है क्विंटन डिकॉक, और इस प्लेयर को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने स्क्वाड में खरीदेगी, क्योंकि हैदराबाद की टीम से जॉनी बेयरस्टो जा चुके हैं। तो हैदराबाद की टीम को एक विकेट कीपर ओपनिंग बैट्समैन की तलाश है और इस टीम के पास 68 करोड़ का पर्स बैलेंस भी है, तो ये टीम आसानी से डिकॉक को खरीद लेगी। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे विकेट कीपर है डेवॉन कॉनवे, और इस प्लेयर को मुंबई इंडियंस की टीम खरीदेगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास काफी कम पर्स बैलेंस मौजूद है और डेवॉन कॉनवे काफी कम दामों में मुंबई की टीम को मिल जाएंगे, और इनका हालिया परफॉर्मेंस काफी कमाल का है, तो इस वजह से मुंबई की टीम इस प्लेयर को खरीदेगी। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे प्लेयर है मैथ्यू वेड, और इस प्लेयर को कोलकाता की मैनेजमेंट ऑक्शन में टारगेट करेगी, क्योंकि मैथ्यू वेड काफी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे प्लेयर है ग्लेन फिलिप्स, और इस प्लेयर को राजस्थान की टीम खरीदेगी, क्योंकि राजस्थान की टीम को बड़े विकेट कीपर की तलाश नहीं है, क्योंकि इस टीम के पास सैमसन और बटलर के रूप में 2 विकेट कीपर मौजूद है, तो ग्लेन फिलिप्स नंबर 4 पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट के पांचवें विकेट कीपर है दिनेश कार्तिक, और इस प्लेयर को अहमदाबाद की टीम ऑक्शन में तलाशेगी, क्योंकि अहमदाबाद की टीम चाहती है कि एक अनुभवी विकेट कीपर को अपने स्क्वाड में शामिल किया जाए। इसके बाद इस लिस्ट के छठवें विकेट कीपर है सैम बिलिंग्स, और इस प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम खरीदेगी, क्योंकि दिल्ली की तरफ से पहले भी सैम बिलिंग्स खेल चुके हैं और दिल्ली के पास पहले से पंत के रूप में बेहतरीन विकेट कीपर मौजूद है, तो ये टीम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के सातवें विकेट कीपर है अंबाती रायडू, जहां पर रायडू ने खुद को विकेट कीपर सेक्शन में रखा है, तो इस प्लेयर को चेन्नई की टीम ऑक्शन में खरीदेगी, क्योंकि चेन्नई की तरफ से पहले भी रायडू खेल चुके हैं और चेन्नई के पास MS धोनी के रूप में बेहतरीन विकेट कीपर मौजूद है, तो ये टीम ऑक्शन में किसी भी बड़े विकेट कीपर को नहीं टारगेट करेगी। हालांकि इस टीम के रडार पर निकोलस पूरन हो सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट के आठवें विकेट कीपर है ईशान किशन, और इस प्लेयर को RCB की टीम ऑक्शन में टारगेट करेगी, क्योंकि ईशान किशन काफी डिस्ट्रक्टिव ओपनर है, तो इस वजह से बेंगलोर की टीम इस प्लेयर के ऊपर 12 से 15 करोड़ तक की खर्च करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के नौवें विकेट कीपर है जॉनी बेयरस्टो, और जॉनी बेयरस्टो को ऑक्शन में पंजाब किंग्स की टीम टारगेट करेगी, क्योंकि पंजाब की टीम को बेहतरीन विस्फोटक विकेट कीपर की तलाश है, तो इस वजह से पंजाब की टीम इस प्लेयर को ऑक्शन में एज ए विकेट कीपर टारगेट करेगी। इसके बाद इस लिस्ट के आखिरी विकेट कीपर है यहाँ पर तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन, और निकोलस पूरन को ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम टारगेट कर सकती है, क्योंकि लखनऊ की टीम को हमेशा से पंजाब किंग्स के प्लेयर काफी पसंद आते हैं, तो इस वजह से लखनऊ की टीम निकोलस पूरन को ऑक्शन में मुख्य रूप से टारगेट करेगी और काफी कम दामों में लखनऊ की टीम को निकोलस पूरन मिल जाएंगे। तो इस बार के ऑक्शन में इन सभी 10 विकेट कीपर्स के ऊपर काफी बढ़ चढ़ कर बोली लगेगी।
जाएगी, तो आपके हिसाब से कौन सा विकेट कीपर ऑक्शन में सबसे महंगा बिकेगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि आप वहां पर बिना किसी एंट्री फीस के साथ फ्री में 30,000 रुपए जीत सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।